3 जुलाई 2021 आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे तो हम मना रहे हैं, पर क्या सच में दुनिया के किसी भी हिस्से के बारे में ये कह सकते हैं हम कि वह प्लास्टिक फ्री जगह है? शायद नहीं। पर हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हर साल न जाने कितने ही जानवर ऐसे हैं जो प्लास्टिक खाने के कारण मर जाते हैं। जनरल साइंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर साल 3.2 मिलियन टन का प्लास्टिक निकलता है, और हर रोज की बात करें तो यह लगभग 30 करोड़ टन के आसपास है। प्लास्टिक बैग दिखने में जितने अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं, उतना ही बड़ा खतरा ये पर्यावरण और जानवरों के लिए बने हुए हैं। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IVRI के वैज्ञानिक द्वारा किया गया बैल का ऑपरेशन लाइव देखा था, जिस ऑपरेशन के दौरान बैल के पेट से 50 केजी प्लास्टिक निकाला गया था। क्या हम सोच सकते हैं कि जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह की स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है? प्लास्टिक 1000 साल इन्वायरमेंट में रहने के बाद भी खत्म नहीं होता, और धीरे धीरे जानवरों, पर्यावरण और खुद हमारे लिए खतरा बन जाता है। एक दिन हमारे द्वारा फैलाया जा रहा ये स्लो पॉइजन ही हमें किस तरह मार देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और इन सब से बचने के लिए अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर दो, तो क्या इससे काम हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 50 माइक्रोन से कम पतले प्लास्टिक पर बैन लगाया है, क्योंकि इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो अब अगर हम प्लास्टिक बैग ना यूज करें तो क्या यूज करें? ये सवाल दिमाग में घूमता नजर आता है। पेपर बैग हमारे पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, पर इसके लिए पेड़ों को काटा जाएगा, जो पर्यावरण और हमारे लिए खतरा ही है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कपड़े के थैले, जूट के बैग और रिसाइकल पेपर बैग का यूज करें, जो रीयूजेबल होने के साथ साथ इजी टू कैरी और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। प्लास्टिक बैग का यूज खत्म करने के लिए हमें खुद ही कदम उठाने होंगे, और अगर आप भी अपने आसपास किसी दुकानदार को 50 माइक्रोन या उससे कम के प्लास्टिक बैग यूज करते देखते हैं तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्लास्टिक यूज करना छोड़िए। गो ग्रीन।